नमस्कार, लोक सामना न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूँ उम्मी मागड़ा। तो देखते हैं आज की ताजा खबर मुंबई से। डॉक्टर कृष्णा चौहान द्वारा तीसरे बॉलीवुड आइकॉनिक अवार्ड 2022 का शानदार आयोजन संपन्न। संगीतकार अनु मलिक, एसीपी बाजीराव महाजन, सांसद डॉक्टर सुनील बलिराम गायकवाड़, गजेंद्र चौहान, सुनील पाल, दीपा नारायण झा, एहसान कुरैसी, अरुण बख्शी, अली खान, सिंगर रितु पाठक को मिला अवार्ड। मुंबई बॉलीवुड फिल्म निर्देशक डॉक्टर कृष्णा चौहान ने केसीएफ के अंतर्गत मुंबई के जुहू में स्थित मेयर हॉल में 12 फरवरी को बॉलीवुड आइकॉनिक अवार्ड 2022 का शानदार आयोजन किया। यह इस अवार्ड का तीसरा साल रहा, जहां ऑर्केस्ट्रा में बेहतरीन पुराने गीतों ने समा बांधा। इस अवार्ड समारोह में प्रसिद्ध गायिका दिवंगत लता मंगेशकर को श्रद्धांजलि दी गई। संगीतकार अनु मलिक ने लता जी के साथ बिताए लम्हों को याद करते हुए कहा कि एक तरह से मैंने अपनी माँ को खो दिया है, बचपन से मैं उनके साथ करीब रहा हूँ। इस कार्यक्रम में एसीपी बाजीराव महाजन, सांसद डॉक्टर सुनील बलिराम गायकवाड़, संगीतकार अनु मलिक, दीपा नारायण झा, कॉमेडियन सुनील पाल, एहसान कुरैसी, अरुण बख्शी, अली खान, अनिल नागरथ, गीतकार सुधाकर शर्मा, के गोस्वामी, राजकुमार कनौजिया, फिल्म दबंग में भैयाजी स्माइल फेम वाले श्यामलाल, गायक दिनेश रहाटे, गीतकार जीनत एहसान कुरैसी, डांसर शिरीन फरीद, निर्माता मुकेश गुप्ता और ब्राइट आउटडोर मीडिया के योगेश लखानी को डॉक्टर कृष्णा चौहान ने ट्रॉफी देकर सम्मानित किया गया। साथ ही जलेबी बाई गीत की गायिका रितु पाठक को भी बॉलीवुड आइकॉनिक अवार्ड से सम्मानित किया गया और रितु पाठक ने स्टेज पर गीत भी गाया। बॉलीवुड आइकॉनिक अवार्ड 2022 समारोह में सिद्धि विनायक ट्रॉफी के गणेश, आर राजपाल पब्लिसिटी डिजाइनर, डांसर सीमा सूर्यवंशी, सोशल वर्कर सुंदरी ठाकुर, आयुर्वेदाचार्य प्रकाश टाटा, एडवोकेट अमित उपाध्याय, गायक डीसी मदाना, सिंगर मंगेश, बसंत भंडारी को भी सम्मानित किया गया। पुरस्कृत सभी व्यक्तियों ने कृष्णा चौहान की तारीफ की और उनके हौसले व जज्बे को सलाम किया। इसी अवार्ड समारोह में प्रिंट डिजिटल मीडिया से जुड़े कई पत्रकार बॉलीवुड आइकॉनिक अवार्ड 2022 से सम्मानित हुए, जिनमें अवनिंद्र आशुतोष, राजेंद्र कुरिल, संतोष साहू, कैलाश मासूम, शशिकांत सिंह, गाजी मोइन, देवेंद्र खन्ना, शमा ईरानी, दिलीप पटेल, दिनेश कुमार, पंकज पांडे, एस के डे, नासिर तागले, शैलेश पटेल, सुंदर मोरे, प्रेस फोटोग्राफर बी के तांबे और राजेश कोरिल का नाम उल्लेखनीय है। इस मौके पर डॉक्टर कृष्णा चौहान ने अपनी आगामी हिंदी फिल्म आत्मा.com का भी प्रमोशन किया। यह एक हॉरर थ्रिलर फिल्म है जिसके लेखक गाजी मोइन है। कृष्णा चौहान द्वारा निर्देशित इस फिल्म के डीओपी पप्पू के शेट्टी है। इस अवार्ड समारोह के बाद डॉक्टर कृष्णा चौहान 4 मई 2022 को अपने जन्मदिन पर लीजेंड दादा साहेब फाल्के अवार्ड 2022 का भव्य आयोजन करने जा रहे हैं। आपको बता दें कि बॉलीवुड फिल्म निर्देशक कृष्णा चौहान पिछले कई वर्षों से इंडस्ट्री से जुड़े हैं। इन्होंने कई एड फिल्म, म्यूजिक वीडियो बनाया है और अब हिंदी फीचर फिल्म आत्मा.com भी बनाने जा रहे हैं। डॉक्टर कृष्णा चौहान अपने फाउंडेशन कृष्णा चौहान फाउंडेशन के अंतर्गत कई अवार्ड शो का आयोजन करते हैं। केसीएफ के अंतर्गत बॉलीवुड लीजेंड अवार्ड, बॉलीवुड आइकॉनिक अवार्ड और लीजेंड दादा साहेब फाल्के अवार्ड का आयोजन सन 2019 से किया जा रहा है। इसके अलावा केसीएफ के द्वारा समाज सेवा, भोजन वितरण और भगवद गीता का वितरण किया जाता है। डॉक्टर कृष्णा चौहान ने साल 2020 में कोरोना महामारी के बीच में कई जरूरतमंद लोगों को खाद्य वस्तुएं मुहैया कराई थी। आपको बता दें कि डॉक्टर कृष्णा चौहान गोरखपुर यूपी के रहने वाले हैं और पिछले 20 वर्षों से वे मुंबई में रह रहे हैं। अपने स्ट्रगल के दिनों में इन्होंने सहायक निर्देशक के रूप में भी काम किया है। इन्हें एक शॉर्ट फिल्म के लिए बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड भी मिल चुका है। फिर मिलते हैं दूसरी खबरों के साथ, तब तक के लिए देखते रहिए लोक सामना न्यूज।